वाइकिंग्स वेल हैला का सीजन 2 रिलीज हो चुका है भाई, तो मैं सीजन 2 के लिए काफी एक्साइटेड था। जब मैंने इस सीरीज का सीजन 1 देखा था तो मेरे को हैरल्ड सिगलसन और लीफ एरिक्सन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, तो मैंने काफी वेट किया। तो अब सीजन 2 रिलीज हो चुका है, मैंने उसको देख लिया है। तो इसका सीजन 2 सीजन 1 से बढ़िया है या नहीं है, तो यही सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। वाइकिंग्स वेलहैला के सीजन 2 में 3 स्टोरीज चलती हैं। पहली स्टोरी चलती है लंदन में, जो कि ईमा के करेक्टर पर फोकस करती है। वहां पर कुछ धोखाधड़ी चल रही होती है, तो वही सब आपको इस स्टोरी में देखने को मिलता है। दूसरी स्टोरी चलती है फ्रेडिस पर, जो कि अपना रास्ता सेपरेट कर लेती है हैरल्ड सिगरसन से, यानी कि उसका जो उपहाला था वो तबाह हो चुका था, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। तो अब उसके एक नया रास्ता मिलता है जॉन्सबर्ग में, वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर भी कोई गॉड गुड का घर होता है, तो इसके बाद वहाँ पर भी बहुत बमाल चीज़ें होना लग जाती है। तो दूसरी स्टोरी वहाँ पर चलती है। तीसरी स्टोरी चलती है हैरल्ड सिगरसन एंड लीफ एरिक्सन पर। हैरल्ड चाहता है कि कैटीगट का राजा बनूं, बट अब तो वो भगौड़ा है, उसके पास कोई आर्मी नहीं है। अब आर्मी को पाने के लिए भाई वो निकलता है एक जर्नी पर लीफ एरिक्सन के साथ, और कुछ न्यू करेक्टर्स को भी इस सीरीज में लाया जाता है, जो कि वो जर्नी है जो कि एडवेंचर आपको देखने को मिलता है, वो बहुत ही तगड़ा काम करता है भाई इस सीरीज में। इस सीरीज की सबसे मेन तगड़ी स्टोरी में इसी को बोलूंगा भाई। अब जो कि लीफ एरिक्सन का कैरेक्टर है, फर्स्ट सीजन में हुआ ये था कि उस बंदे ने लीव को खो दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमे में था, तो सीजन 2 में दिखाया ही गया है। तो वो उससे कैसे उभरेगा, कैसे निकलेगा, तो उसकी जर्नी ग्रोथ हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। और सीजन की भाई बेस्ट परफॉर्मेंस मैं बोलूँ तो भाई लीफ एरिक्सन ने दी है। तो ये कि जो जर्नी पर निकलता है हैरल्ड सिगरसन लीफ, तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का रास्ता होता है। काफ़ी इसमें आपको एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, कुछ खिलाड़ियों से देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, तो वो बहुत ही कमाल तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इस सीरीज का क्लाइमैक्स मुझे को काफ़ी अच्छा लगा, जो कि स्टोरी फ्रेडिस की बनाई गई है जॉन्सबर्ग में, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी इंटेंस एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि तीसरी स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट करती है, लंदन वाली कोई मेरे को अच्छी नहीं लगी। वो ईमा वाली, उस पर हमले हो रहे हैं, यानी कि लंदन में वो चल रहा है, कनूट है नहीं, वो बाहर गया हुआ है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई वो स्टोरी लाइन। बाकी सीरीज में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इस सीरीज में भी आपको ट्रोमे दिखाया गया, लव दिखाया गया, धोखा दिखाया गया, ट्रस्ट, जो कि वाइकिंग सीरीज में चलता है, पहले भी हमने देखा है। तो ओवरऑल सीरीज की स्टोरी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो कि इस सीरीज की एंडिंग हुई है वो भी काफ़ी बढ़िया हुई है। टिपिकल वाइकिंग्स में क्या होता था कि एक कबीला दूसरे कबीले पर भाई कुल्हाड़ियाँ लेकर उतर पड़ते थे, एक जंग होती थी हर सीजन में, जैसे कि वाइकिंग्स में चलता, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। हमें क्या करना है कि भाई उनकी हिस्ट्री क्या है, हमने तो इंटरटेनमेंट के लिए देखा है, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को भाई। मेरे को तो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, जो कि नेगेटिव पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। तो अगर मुझे इस सीरीज को रेटिंग देनी हो 5 में से, तो 4 रेटिंग दूंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।